सीता विश्वकर्मा चैनल में आपका स्वागत है। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा जरूर बजाइए नए नए अपडेट्स के लिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मसाला पापड़। मसाला पापड़ बनाने के लिए सामग्री चाहिए हमें। बड़े वाले पापड़ लेंगे, टमाटर बारीक काट लेंगे, एक टमाटर, एक प्याज बारीक कटा हुआ, हरा धनिया थोड़ी सी, बारीक वाली नमकीन, गरम मसाला, चाट मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। एक हम पैन लेंगे, उसमें हम तेल डालेंगे, इसे हम तलेंगे नहीं। फिर हम पापड़ डालेंगे, इसे से दबा देंगे ताकि वो बराबर अच्छे से सीख जाए। इसे हम कढ़ाई में इसलिए नहीं तलते क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा तलेगा, तवे में बहुत अच्छे से सीधा सा फ्राई हो जाएगा। ये हमारा अच्छी तरह से पक गया है, अब इसे हम निकालेंगे। ये हमारा पापड़ पक गया है, इसे हम निकाल लेंगे हल्के हाथ से ताकि ये टूटे नहीं। इसे प्लेट में हम रख दिए। ठंडा और कुरकुरा हो गया हमारा पापड़, अब इसे हम सजाएंगे। सजाने के लिए सबसे पहले हम प्याज लेंगे, इसमें प्याज इस तरह डालेंगे। टमाटर इसके बाद हम बारीक नमकीन अपनी पसंद की नमकीन हम इसमें डाल सकते हैं। नमकीन थोड़ी हम ज़्यादा डालेंगे, इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगेगा। इसके बाद हम धनिया डालेंगे, गरम मसाला थोड़ा सा अपनी पसंद का, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा इसको चटपटा बनाएंगे तो थोड़ा तीखा हम डालेंगे। नमक हल्का सा, यह हमारा मसाला पापड़ चाट तैयार हो गया है। बच्चों को बहुत पसंद आएगा, झटपट बनने वाली रेसिपी। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए